तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं जीबी व्हाट्सएप अपना ओपन करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर लगभग लगभग आपको सभी कॉन्टैक्ट नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स जो भी यहाँ पे शो कर रहे हैं इनको मैंने सेव किया था, मेरे फ़ोन मेमोरी में तो सेव हैं, बट यहाँ पे नाम नहीं शो कर रहा है। आपके साथ भी ऐसे इश्यूज़ होते होंगे, कई बार आप देखे हो कि अब भी आप कोई भी नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पर आपको करते होता क्या है कि आपको नेम नहीं शो करते, उसकी जगह पर कॉन्टैक्ट नंबर शो करते हैं, और जब तक नेम नहीं शो करेंगे तब तक आपको उनका स्टेटस भी नहीं दिखाई देगा, ये पक्की बात है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम जिस भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उसको हम कॉन्टैक्ट एक्सेस ना दें, तो कॉन्टैक्ट एक्सेस ना देने पर होता क्या है कि हमारे वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर्स शो करते हैं, कॉन्टैक्ट नेम नहीं शो करते। अगर आपको करना क्या है कि आपको इसमें कॉन्टैक्ट एक्सेस देना है तो देने के क्या तरीके होते हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लेकिन वो वीडियो ऑफिशियल व्हाट्सएप पे कारगर था, चूंकि यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ सैम मोड्स। कई बार हो सकता है कि आप कोई फॉर्ड मोड्स द्वारा क्रिएटेड भी जीबी व्हाट्सएप यूज़ करें और हो सकता है कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स शो करे, नेम ना शो करे। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे दो मेथड्स है, मैं आपको तीन बता रहा हूँ, तीनों ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला क्या होता है कि आपको ये चेक करना है कि आपके फ़ोन में जब यहाँ पे आप प्लस बटन करते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करने पर, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू हेल्प यू कॉन्टैक्ट विद योर फ्रेंड्स अलाउ व्हाट्सएप एक्सेस टू द कॉन्टैक्ट, यानी कॉन्टैक्ट को आपको एक्सेस देना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को, तभी आपका ये काम करेगा। आपके वाले में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है, नहीं तो अदरवाइज यहीं पर क्लिक करके आपको अलाउ करना होता है और कर देंगे। तो दूसरा स्टेप क्या होगा आप देख लीजिए, इससे आप पहले बाहर आ जाइए एप्लीकेशन से। बाहर आने के बाद आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे आई बटन दिखेगा, आपको आई बटन पे हिट करना है। जैसे आप आई बटन पे हिट करेंगे तो आप यहाँ पहुँचेंगे। एक तो ये तरीका है, आपको यहीं तक आना है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको जो भी फ़ोन यूज़ करते हैं उसके आपको फ़ोन सेटिंग्स में जाना है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे ट्रिक किए थे, कई बार क्या होता है कि एंड्रॉयड 10 से नीचे वालों को सपोर्ट नहीं करता डायरेक्टली क्लिक करके, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ से जाना है ऐप सेटिंग्स में, तो यहाँ से मैं सर्च करके जाता हूँ, ऐप्स आपको दिखाई दे रहा है, आपको ऐप्स पे क्लिक करना है। यहाँ ऊपर आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, वहाँ पर आपको डाल देना है जीबी, जो भी आपका एप्लीकेशन हो जिसमें नेम नहीं शो कर रहे हैं, तो आपको वो डाल के यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आप देखिए वहाँ पे वही पहुँचेंगे जो हम वहाँ पहुँचे थे। अब यहाँ से आपको परमिशन देना है, तो आपको करना क्या है, परमिशन पे क्लिक करिए, आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट एक्सेस परमिशन देना है, तो कॉन्टैक्ट्स पे जाइए और यहाँ से आप अलाउ कर दीजिए। इतना करने के बाद आप बाहर आ जाइए, लगभग आपका काम खत्म हो गया है। इसके बाद आप बाहर आ जाइए, यहाँ से बाहर आने के बाद आपको फिर से जीबी व्हाट्सएप को ओपन करना है। जैसे आप जीबी व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे काम ठीक से कर नहीं रहा है। अगला काम आपको करना क्या, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको एक बार इसको रीस्टार्ट करना है, क्योंकि जब आप रीस्टार्ट करेंगे तभी ये सारी के सारी सेटिंग्स अप्लाई होंगी। तो यहाँ से हम रीस्टार्ट जीबी पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे ये एप्लीकेशन दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हो गया है। अभी फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे देखेंगे सभी ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम शो करना शुरू कर चुके हैं। इनकेस ऐसा हो कि यहाँ पे शो ना करें तो फिर से एक बार क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से प्लस बटन पर क्लिक करिएगा। अब ये समझ लीजिए, यहाँ अगर आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स की जगह पर नेम शो करने लगे जो भी आपने सेव किए थे, तो इसका मतलब आपका काम हो गया है। अब यहाँ पर आपको नंबर्स के स्थान पर नेम शो करेंगे जो भी आपने सेव किए हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।